तो आज हम पांडास के बारे में पढ़ेंगे। पांडास की फुल फॉर्म क्या है? पैनल डेटा सिस्टम। पांडास को ही पाइथन पांडास भी बोला जाता है। इट इज अ लाइब्रेरी ऑफ पाइथन विच इज यूज्ड फॉर डेटा एनालिसिस। तो ये कैसी लाइब्रेरी है जो किस पर्पस के लिए यूज हो रही है? डेटा एनालिसिस के। और आजकल पांडास बहुत पॉपुलर है इसी वजह से, क्योंकि उससे हम क्या कर सकते हैं? डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल टूल्स प्रोवाइड करती है डेटा एनालिसिस के लिए। ये ओपन सोर्स लाइब्रेरी है इसकी। पांडास के जो मेन ऑथर थे उनका नाम था वेस मैकिनी। और कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं पांडास के ऑथर में और पाइथन जिन्होंने डेवलप की थी उनका नाम था गाइडो वॉन रॉस। और क्या क्या फीचर्स है पांडा के? पांडास इज द मोस्ट पॉपुलर लाइब्रेरी इन साइंटिफिक पाइथन इकोसिस्टम फॉर डूइंग डेटा एनालिसिस। यानी इसका मेन काम आपका क्या कहेंगे कि क्या है? डेटा एनालिसिस है। इसके अलावा ये बहुत सारे काम कर सकती है, जैसे कि इट कैन रीड एंड राइट इन मेनी डिफरेंट डेटा फॉर्मेट्स। और वो डेटा फॉर्मेट्स कौन से हो सकते हैं? आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स लाइक इंटीजर, फ्लोट, डबल, एक्सेट्रा। इट कैन कैलकुलेट इन ऑल वेज डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड। यानी डेटा को ऑर्गेनाइज करने के बाद उस पर जो भी कैलकुलेशंस परफॉर्म होती है, जैसे कि मीन, मीडियन, मोड एटसेट्रा, उन सबको भी फाइंड आउट कर सकती है। इट कैन इजिली सिलेक्ट सबसेट्स ऑफ डेटा फ्रॉम बल्की डेटा। अब देखो क्या होता है कि बहुत लार्ज अमाउंट में डेटा अवेलेबल है आज के दिन। जैसे अगर हम बात करें, जो इतनी फास्ट इंटरनेट सर्विसेज अवेलेबल हैं अब इस दौर में, इस समय में और इस टाइम पे, हमारे पास डेटा बहुत लार्ज अमाउंट में अवेलेबल है। यानी आप जो जितने भी फेसबुक यूजर्स हैं, मिलियंस ऑफ फेसबुक यूजर्स हैं, उन सबका अपना डेटा है। और वो डेटा भी बहुत वेरिड है, बहुत वेरिएबल है। कैसे? क्योंकि कोई टेक्स्ट टेक्स्ट फॉर्म में डेटा है, कहीं इमेज फॉर्म में डेटा है, कहीं वीडियो फॉर्म में डेटा है। यानी अब जो डेटा है वो सिर्फ टेक्स्चुअल या न्यूमेरिकल डेटा नहीं है, बहुत लार्ज अमाउंट में डेटा अवेलेबल है। और उसका भी कोई कोई स्ट्रक्चर्ड डेटा नहीं है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। तो इस तरीके के डेटा को एनालाइज करने के लिए हमें कुछ ऐसे ही टूल्स की जरूरत है, जैसे कि पांडास। सो इट हैज फंक्शनैलिटी टू फाइंड एंड इट हैज फंक्शनैलिटी टू फाइंड एंड फिल मिसिंग डेटा। तो देखो, मिसिंग डेटा कई बार बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि मिसिंग डेटा होने की बहुत सारी वजह हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि हमें जब डेटा कलेक्ट कर रहे थे तो उस बारे में कुछ पता ही नहीं था, और कुछ लाइक हमने कैटेगरीज बना ली, भाई हॉरर मूवीज, रोमांटिक मूवीज, इस तरीके से कैटेगरीज बना ली। तो अब हम क्या देखेंगे कि जरूरी नहीं ना जिसको हॉरर पसंद हो उसे रोमांटिक भी पसंद हो, तो उसके लिए वो नॉट अवेलेबल डेटा हो जाएगा, या यूं कह लीजिए कि मिसिंग डेटा हो जाएगा, या यूं कह सकते हैं कि उसे पता ही ना हो कि उसे पसंद है कि नहीं। तो वो उस वक्त उस चीज को करेक्टली आंसर ना कर रहा हो। तो ऐसे केस में हम गलत वैल्यू फिल करने के बजाय क्या कर सकते हैं? वैल्यू अनफिल्ड छोड़ सकते हैं। या हम हमारे पास कुछ ऐसे कोई और एग्जाम्पल लेते हैं अच्छा सा। जैसे अगर स्टूडेंट का डेटा है और स्टूडेंट के डेटा में हमारे पास उसका नेम है, फादर नेम है, मदर नेम है, फिर उसकी ईमेल आईडी है, फोन नंबर है, तो हो सकता है किसी बच्चे के पास ईमेल एड्रेस ना हो उस वक्त। तो उस वक्त वो डेटा क्या हो जाएगा? ब्लैंक हो जाएगा। उसी टाइप के डेटा को हम क्या कहते हैं? मिसिंग डेटा। तो ये मिसिंग डेटा को भी किसी पर्टिकुलर वैल्यू से फिल करने की कैपेबिलिटी रखती है। ये रिसर्चर्स के लिए बड़े काम की चीज है। इट अलाउज यू टू अप्लाई ऑपरेशंस टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स विद इन द डेटा। जो हमने पूरे डेटा में से कुछ कुछ ग्रुप्स बनाए होंगे उन पे अलग से भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इट्स अबाउट रीशेपिंग ऑफ डेटा इनटू डिफरेंट फॉर्म्स। तो जिस तरीके से हमें डेटा चाहिए हो उसमें, जैसे मान लीजिए पूरे डेटा में से सिर्फ हमें क्या चाहिए कि इस पूरे मान लीजिए पूरी पॉपुलेशन का डेटा हमारे पास है, हम उसमें से सिर्फ छांटना चाहते हैं कि सिर्फ फीमेल फीमेल्स का डेटा आ जाए। यानी हमने उस डेटा को एक डिफरेंट फॉर्म दे दी, उसे रीशेप कर दिया। तो ऐसी पॉसिबिलिटी भी है हमारे पास पांडास में। इट सपोर्ट्स एडवांस्ड टाइम सीरीज फंक्शनैलिटी। अब टाइम सीरीज फंक्शनैलिटी क्या होती है कि जैसे आपने ग्राफ्स पढ़े होंगे तो टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ को पढ़ना और जैसा भी डेटा रहा हो उस बेसिस पर हम वैल्यूज को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करें फ्यूचर में कि क्या रह सकती है। इट सपोर्ट्स विजुअलाइजेशन बाय इंटीग्रेटिंग मैट प्लॉटलिब। आपको पता होगा मैट लैब नाम का एक अलग से सॉफ्टवेयर है रिसर्चर्स के लिए। वहां पर आपकी प्लॉटिंग होती है, साइमुलेशन होती है, इस तरीके की चीजें होती है। तो उसमें से मैट प्लॉटलिब के जो सिंपल से ग्राफ्स हैं वो भी अवेलेबल है पांडास में, और सीबोन लाइब्रेरी का सपोर्ट भी अवेलेबल है इसमें। सो वी कैन से इन शॉर्ट दैट पांडास इज बेस्ट एट हैंडलिंग ह्यूज टेबुलर डेटा सेट्स कंप्राइजिंग डिफरेंट डेटा फॉर्मेट्स। अब क्योंकि हम पांडास यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है सबसे पहले तो हमारे पास क्या होनी चाहिए? पाइथन इंस्टॉल्ड होनी चाहिए। अब पाइथन डिपेंड करता है आप जो
आपकी ऑनलाइन फ्री ओपन सोर्स पाइथन अवेलेबल है वो इंस्टॉल करेंगे या कोई आईडीई इंस्टॉल करेंगे जैसे कि जुपिटर वगैरह, तो वो आपके ऊपर है, आपको जो भी ठीक लगे उस हिसाब से आप कर सकते हैं। अभी के लिए मैं ये मानकर चलूंगी कि आपने पाइथन को यूज किया है, और अब अगर आप पाइथन इंस्टॉल हो चुका है तो अब हमें सेपरेटली अलग से पाइथन इंस्टॉल करने के बाद जिन जिन चीजों को यूज करते चलेंगे उनकी लाइब्रेरीज को भी अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। तो अब हम पांडास यूज करने वाले हैं तो इसलिए हमें पांडास लाइब्रेरी को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के लिए पांडास में जो कमांड यूज होती है दैट इज पिप। सो पिप कमांड इज यूज टू इंस्टॉल पांडास। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम जाकर देखेंगे, वी विल ओपन द लोकेशन ऑफ पिप स्टोरेज कि वो पिप फाइल कहाँ स्टोर है, जो जिस फोल्डर में हमने पाइथन को इंस्टॉल किया होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपने केस की बात करूं तो सी ड्राइव में, यूजर्स में, मोनिका में, एप डेटा में, लोकल फोल्डर में, प्रोग्राम्स में पाइथन नाम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। और जब मैंने उसकी पाइथन 3.11.11 फोल्डर को ओपन किया, वहां जाकर मुझे स्क्रिप्ट्स वाला फोल्डर दिखाई देगा, वहां ये फाइल्स दिखाई देंगी, पिप फाइल्स। तो वहां जाकर हम क्या करेंगे, वी विल राइट क्लिक और तब ये आपको एक मेन्यू सा दिखाई देगा, इसमें आप क्लिक करेंगे ओपन कमांड विंडोज हियर पर, यानी आप कमांड प्रॉम्प्ट पर पिप कमांड लिखेंगे। हम क्या कह रहे हैं कि जब भी पांडास यूज करेंगे तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हम पांडास को पहले इंस्टॉल करेंगे, फिर यूज करने से पहले उन लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कराएंगे। तो पांडास इंस्टॉल करने के लिए हम या तो शेल का यूज करेंगे या कमांड प्रॉम्प्ट का यूज करेंगे जिसे सीएमडी भी बोलते हैं। और उसके लिए दो कमांड्स में से, इन दोनों कमांड्स में से कुछ भी यूज किया जा सकता है, जैसे डॉलर कोंडा इंस्टॉल पांडास, या हम क्या यूज कर सकते हैं, डॉलर पिप इंस्टॉल पांडास। अगर आप जुपिटर इंस्टॉल किए हुए हैं, जुपिटर नोटबुक, तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, स्टार्टिंग में बस ये एक्सक्लेमेशन वाला साइन आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा, एक्सक्लेमेशन पिप इंस्टॉल पांडास। और जब इंस्टॉल हो जाएगी फाइल तो हम क्या करेंगे, यूज करने से पहले उसे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट पांडास। इसके आगे जो लिखा हुआ है एज पीडी, इसका सिर्फ इतना मतलब है कि हमने पांडास लाइब्रेरी को, क्योंकि बार बार यूज करना है तो हर बार पूरा पूरा पांडास टाइप ना करना पड़े, इसलिए उसका एक छोटा सा नाम रख लेंगे। जैसे इस केस में हमने क्या लिखा है, पीडी। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, MSK PDS, जो भी रखना चाहते हैं वो। ज्यादातर प्रैक्टिस में लोग क्या रखने की प्रैक्टिस में होते हैं, पीडी। तो आपकी चॉइस है कि आप क्या रखें। अब मैं आपको इसका एक डेमो दिखाती हूँ कि किस तरीके से आप पांडास को इंस्टॉल करेंगे। सो आई विल राइट द कमांड पिप इंस्टॉल पांडास इन माय विंडोज पावर शेल। हमने अपने विंडो पावर शेल पर पिप इंस्टॉल पांडास कमांड टाइप की और अब पांडास डाउनलोड हो रहा है खुद से। तो डाउनलोड प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, क्योंकि देखिए अब क्या लिखा आ रहा है यहाँ पर, ये हमें ऑप्शन दे रहा है कि अ न्यू रिलीज ऑफ पिप इज अवेलेबल टू अपडेट रन दिस कमांड। सो दैट मीन्स अब ये इंस्टॉल हो चुका है। लेट्स कम बैक टू आवर पाइथन शेल एंड नाउ टाइप कमांड इंपोर्ट पांडास एज पीडी। सी नाउ नो एरर हैज अकर्ड, दैट मीन्स इट इज वर्किंग। हम पांडास इंस्टॉल कर चुके हैं, अब हम उसमें डेटा स्ट्रक्चर्स को पढ़ना शुरू करेंगे। वैसे तो बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं पांडास में, लेकिन मेन मेन जो है वो हमारे हैं सीरीज, डेटा फ्रेम एंड पैनल। और हम कवर कौन से करेंगे, सिर्फ ये दो कवर करेंगे, सीरीज एंड डेटा फ्रेम्स। सीरीज वन डायमेंशनल लेबल्ड होमोजीनियस एरे होता है, इसके बारे में डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, कि ये बस इतना अभी के लिए इतना देख लीजिए कि सीरीज वन डायमेंशनल है और डेटा फ्रेम टू डायमेंशनल और पैनल जो है वो थ्री डायमेंशनल होते हैं। अब बच्चे जो पहली बार लैंग्वेजेस पढ़ रहे होंगे उनको ये नहीं पता होगा कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, उनके लिए पहले ये बताना जरूरी है कि डेटा स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं, इट इज अ वे ऑफ स्टोरिंग डेटा। तो जो भी डेटा, जो भी वेरिएबल, जो भी वैल्यूज है वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर में स्टोर हो रही होती है। तो जहां वो स्टोर हो रही है और जिस तरीके से वो स्टोर हो रही होती है उसी को क्या बोलते हैं, डेटा स्ट्रक्चर। ये कुछ ऐसे ही है जैसे अगर हम इसके एनालॉजी अपनी रियल लाइफ की चीजों के साथ करें, तो सपोज हम अपना घर का जो राशन लेकर आते हैं हमें वो सेव करना है, क्योंकि ज्यादातर सब लोगों की हैबिट होती है कि वो कुछ एडवांस में भी लाकर रखते हैं ताकि एकदम से भागा दौड़ी ना रहे। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम किस तरीके से अपने आइटम्स को अरेंज करते हैं वो डिपेंड करता है। अब डिपेंड करता है कि हमारे घर में ज्यादा यूज क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के घर में चिली ज्यादा यूज हो रही होगी, या यूं कह लीजिए ब्लैक पेपर ज्यादा यूज हो रहा होगा, तो वो क्या करेगा,
वो ब्लैक पेपर को आगे रखेगा, लेकिन अगर किसी घर पे ये चीजें कम यूज होती हैं तो वो स्टॉक में उस चीज को एलमीरा में थोड़ी पीछे रखेगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि किसी किसी को बहुत ऑर्गेनाइज चीजें पसंद हो तो वो ऑर्गेनाइजर्स को रख सकता है, ऑर्गेनाइजर्स के अंदर अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट्स को रख सकता है कि भाई यहाँ पर हमारे मसाले आएंगे, यहाँ दालें आएंगी, इस तरीके से। तो यानी आपने सबने अपना अपना स्ट्रक्चर डिफाइन कर लिया है। तो इसी तरीके से जो डेटा है वो कैसे सेव होना है, एरेज की फॉर्म में होना है, स्टैक की फॉर्म में होना है, क्यू की फॉर्म में होना है कि ट्रीज की फॉर्म में होना है, जैसा भी आपका डेटा, जैसे भी आपके रिक्वायरमेंट, उसके अकॉर्डिंग आप अपने डेटा को अरेंज करवाते हैं। और उस अरेंजमेंट को ही, उस स्टोर करने के तरीके को ही हम क्या कहते हैं, डेटा स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, सीरीज डेटा स्ट्रक्चर। इट रिप्रेजेंट्स अ वन डायमेंशनल एरे, इसमें सिर्फ एक ही डायमेंशन है, सिंगल डायमेंशन है। लाइक ऑब्जेक्ट कंटेनिंग एन एरे ऑफ डेटा, वो डेटा आपका कैसा हो सकता है, नम पाई टाइप का डेटा टाइप होगा। यानी आपको सीरीज पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत नॉलेज नम पाई डेटा टाइप का भी होना चाहिए। एंड एन एसोसिएटेड एरे ऑफ डेटा लेबल्स कॉल्ड इट्स इंडेक्स। देखो वन डायमेंशनल कुछ नहीं, जैसे हम बच्चों की लिस्ट बनाते हैं कि भाई टीचर ने बोल दिया चलो भाई अपने अटेंडेंस लगाओ और बच्चों की पहले लिस्ट बनाओ, तो आप क्या करते हैं, फर्स्ट रोल नंबर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और इस तरीके से बच्चों के नाम लिखते चले जाते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी, इस तरीके से। तो जो ये इस तरीके का डेटा है जिसमें जो ये एक्स वाई जेड, ये आपका क्या हो गया, सिंगल डायमेंशन में है ये डेटा, वन डायमेंशनल डेटा, नॉर्मल सी लिस्ट जो आप अपनी स्प्रेडशीट पर भी बना लेते हैं। स्प्रेडशीट यानी रोज और कॉलम्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, जो आपकी एक्सेल शीट जैसे उसका एग्जाम्पल है। तो उसमें जिस तरीके से डेटा आप टाइप करते हैं या वर्ड में जिस तरीके से आप डेटा टाइप करते हैं या अपने रजिस्टर में नॉर्मली जिस तरीके से आप डेटा लिखते हैं, वो कुछ नहीं, वो वन डायमेंशनल डेटा का एग्जाम्पल है। उसके आगे जो ये रोल नंबर लिखे हुए हैं, ये आपके सीरीज में अगर बात करें तो ये जीरो से शुरू होगा और इसको हम क्या बोल देंगे, इंडेक्स, और ये हमारी वैल्यू होगी, इसको हम क्या बोलेंगे, डेटा। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारा सीरीज डेटा स्ट्रक्चर है उसके एक्चुअल में दो कंपोनेंट्स हैं, वी हैव टू कंपोनेंट्स ऑफ सीरीज डेटा स्ट्रक्चर। और वो दो कंपोनेंट्स क्या हैं, एन एरे ऑफ एक्चुअल कंपोनेंट, जो एक्चुअल में डेटा है हमारा वो, सो दिस इज डेटा, एंड एन एसोसिएटेड एरे, एरे ऑफ इंडेक्स, और साथ में कौन होगा, इंडेक्स होगा उसके आगे। अब इंडेक्स आपके दो तरीके के हो सकते हैं, या तो न्यूमेरिक इंडेक्स हो सकते हैं जो बाय डिफॉल्ट आते हैं, यानी अगर आप नहीं भी मेंशन करेंगे इंडेक्स तब भी आएंगे और वो जीरो से स्टार्ट होंगे, 0, 1, 2, 3, ये आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे अभी जब मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी तब। देन अनदर वन इज योर लेबल्ड इंडेक्स, जिसको आप डेटा लेबल भी बोलते हैं, ये उस तरीके का इंडेक्स होता है जो हम प्रोवाइड करें, या यूं कह लीजिए विच इज यूजर डिफाइंड। यहाँ हम अपनी मर्जी का डेटा दे सकते हैं, वो कुछ भी दे सकते हैं, लाइक ए बी सी या जो भी आपको रोल नंबर अलॉट हुए हो, 01, 01, 102 एटसेट्रा, इस तरीके से जब अपनी मर्जी का लेबल देंगे, जब अपनी मर्जी का इंडेक्स देंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, लेबल्ड इंडेक्स। जब हम कोई लेबल ना दें और खुद से न्यूमेरिकल वैल्यूज आ जाए जीरो से शुरू होती हुई, तो उसको किस तरीके का इंडेक्स कहते हैं, न्यूमेरिक इंडेक्स। यानी सीरीज जब भी प्रिंट होंगी तो वो खुद से कुछ वैल्यूज पहले से ही इंडेक्स की पिक करके रखेंगी और इधर आपका डेटा डिस्प्ले हो रहा होगा, जो भी आपने डेटा एंटर किया होगा वो। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, पहले एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करेंगे, उसका सिंटेक्स देखेंगे और फिर एक नॉन एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करेंगे। नॉन एम्प्टी लिस्ट को क्रिएट करने के कई तरीके होते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैकेज को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट पांडास, और उसका एक दूसरा नाम देंगे, शॉर्ट नेम एस पी डी या पी डी पी डी एस, कुछ भी लिख सकते हो। वंस इट इज डन, अब आपको सबसे पहले क्या करना है, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो आप, सीरीज। तो आपको सीरीज क्रिएट करने का सिंटेक्स जो है वो क्या है, पहले ऑब्जेक्ट का नेम, वो ऑब्जेक्ट का नेम कुछ भी हो सकता है, ओबी, ओबीजे, ए बी सी, एक्स वाई जी, जो भी लिखना है वो। सो ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, उसके बाद क्या लिखेंगे, पांडास। अगर आपने पांडास का अलाइज नेम नहीं लिया होता, जैसे यहाँ पर अलाइज नेम यानी जो दूसरा नाम, शॉर्ट नेम जो आपने रखा है पीडी, अगर वो नहीं लिया होता तो आप यहाँ पर क्या लिखते, पांडास डॉट सीरीज। लेकिन क्योंकि अब हमने पीडी यूज कर लिया है तो हम क्या लिखेंगे, पीडी डॉट सीरीज एंड पैरेंथेसिस, प्रेस एंटर। अब सीरीज क्रिएट हो चुकी है, अगर आप देखना चाहते हैं कि एम्प्टी सीरीज क्रिएट हुई है कि नहीं तो ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराइए। देखिए यहाँ पर क्या शो कर रहा है वो आपको, कि सीरीज क्रिएट हुई है, वो भी कैसी, ये खाली आर्गुमेंट शो कर रहे हैं कि एम्प्टी सीरीज क्रिएट हुई है और उसका डेटा टाइप क्या शो हो रहा है, ऑब्जेक्ट। तो ये था आपका एग्जांपल एम्प्टी सीरीज का। अब हम क्या देखेंगे, नॉन एम्प्टी सीरीज का एक सिंपल सा एग्जांपल, जिसमें आपको मैं ये समझा पाऊं कि किस तरीके से इसमें इंडेक्स मेंशन होता है और वैल्यूज मेंशन होती है, जिसको हम डेटा भी बोलते हैं।
सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. तो सिंटेक्स वही रहेगा जैसे एम्प्टी का था. पहले एक ऑब्जेक्ट नेम आएगा, सपोज दिस टाइम आई एम गिविंग इट ऑब्जेक्ट वन इज इक्वल टू, फिर आप पांडास लाइब्रेरी को कॉल करेंगे डॉट नोटेशन के साथ. अब आप क्या कीवर्ड लिखेंगे, सीरीज, एंड देन यू विल राइट कोई वैल्यूज आप लिखना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम राइटिंग हियर लाइक नेम्स मोनिका सोनिका, जब भी आप कुछ अल्फाबेट्स या टेक्स्ट वैल्यूज देंगे तो आप सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में मेंशन करेंगे, या और भी वैल्यूज आप जितने भी देना चाहते हैं वो सब देने के बाद एंटर. सीरीज हैज बीन क्रिएटेड, प्रिंट करा लीजिए ऑब्जेक्ट वन. तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ नोटिस किया आपने, यहाँ क्या हो रहा है कि आपका जो इंडेक्स है ये 0 1 2, ये जो 0 1 2 वैल्यूज है ये कुछ नहीं है, आपका इंडेक्स है जो बाय डिफॉल्ट क्रिएट हुआ है. क्या आपने यहाँ कहीं मेंशन किया है 0 पे मोनिका लिखना, 1 पे सोनिका, 3 2 पे टोनिका? नहीं ना, ये खुद से वैल्यूज आती हैं इसकी. ये इंडेक्स है जिसकी हम जब बात कर रहे थे कि न्यूमेरिकल इंडेक्स आएगा जो बाय डिफॉल्ट वैल्यूज लेता है 0 1 2. और ये आपके डेटा, ये आपका डेटा है, ये आपकी वैल्यूज है जो आपने दी थी सीरीज में, और इसका डेटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट. इस तरीके से मैं एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ. ऑब्जेक्ट टू सपोज इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज, और सीरीज में अगर मान लीजिए मैं कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज लेती 15 10 2, कुछ भी ले सकते हो मतलब, एंड देन एंटर. नाउ गेट दिस प्रिंटेड ऑब्जेक्ट टू. देख रहे हो आप अब डेटा टाइप क्या है, क्योंकि इंटीजर वैल्यूज थी तो इंट 64. ये हो गया हमारा नॉन एम्प्टी सीरीज का एग्जाम्पल. इस तरीके से एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो सीरीज है उसमें हम डेटा के आगे इंडेक्स भी मेंशन कर सकते हैं. सपोज ये हो गया हमारा डेटा, इट कुड बी एनीथिंग 16.3.5, ज्यादा वैल्यूज भी ले सकते हो ऑफ कोर्स आप 3 से, देन कॉमा, और फिर इंडेक्स के लिए राइट इंडेक्स कीवर्ड हियर, देन इक्वल टू, एंड देन राइट 2.3.4, एंड देन क्लोज दिस, एंड नाउ गेट दिस प्रिंटेड ऑब्जेक्ट 3. सो कैन यू सी, अब की बार क्योंकि आपने इंडेक्स कीवर्ड यूज करते हुए उसके इंडेक्स खुद से मेंशन किए हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरे पहले वाला डेटा दैट इज 16, उसके आगे जो इंडेक्स लिखा है वो क्या है, 2, और 3 जो वैल्यू है वो 3 इंडेक्स पे प्रिंट हो, और जो 5 जो वैल्यू है वो 4th इंडेक्स पे प्रिंट हो. तो इसलिए जो अब की बार आउटपुट आया है वो कुछ इस तरीके से आया है. यानी हम इस एग्जाम्पल से मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि आप सीरीज क्रिएट कर सकते हैं जिसमें डेटा हो और साथ में इंडेक्स भी आपकी मर्जी का हो. आई थिंक ये समझ आ गया. अब नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन एम्प्टी सीरीज को डिटेल में पढ़ेंगे. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल. डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. थैंक यू वंस अगेन.